नमस्कार दोस्तों, एजे थ्री डेज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं, मैंने जो लास्ट टाइम पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल दिया था उसका आज उसने क्या किया। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बोला था कि अगर वो फ्लैट ओपनिंग करेगा, जो आज हुआ उसका ओपनिंग 35,572 और यहाँ पे ओपनिंग हो गए, वो सीधा पहले कैंडल में वो नीचे आ गया। और मैंने जो आपको राउंड साइड में जो मैंने आपको लेवल बोला था कि 35,320 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट बैंक निफ्टी में आएगा उसका 35,200 और दूसरा टारगेट डाउन की साइड में आ सकता है 35,040। तो आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स कि उसने दोनों टारगेट फ्रेंड्स उसने अचीव कर लिए और वहाँ से डायरेक्टली फिर से बाइंग आई और सीधा बहुत ही बढ़िया वहाँ से मूवमेंट आया और 35,030 से लेके उसने हाई मारा 35,770 के करीब उसने हाई मारा, यानी कि 700 पॉइंट के आसपास उसने बाउंस बैक लिया। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं अब कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले हम देख लेते हैं वन डे के कैंडल में क्या पॉसिबिलिटी है। ये जो मैंने लेवल दिए थे वो पूरा आज निकाल लेता हूँ मैं इसको। आप यहाँ पे फ्रेंड्स चेक करोगे कि वन डे के कैंडल में उसने ये हैमर कैंडल बनाई है जो एक बुलिश कैंडल है। ओके, तो अगर टुमॉरो इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, जिसका आता है हाई कितना रहेगा हमारा, आज का हाई मारा है उसने 35,770 और लो है उसका 35,016 अगर, और उसका क्लोजिंग हुआ 35,710। अगर कल 35,770 को ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 35,850 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स उसका अपसाइड में 35,760 को निकालना पड़ेगा उसको फ्रेंड्स अपसाइड में, जिसका प्राइस लेवल भी मैं लगा लेता हूं आज 35,760। तो पहला टारगेट 35,860 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 35,070। ये जो गैप फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है फ्रेंड्स। और डाउन की साइड में अगर35,650 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट डाउन की साइड में आ सकता है फ्रेंड्स उसका 35,550 और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में उसका 35,450। कल के लिए हमारा फ्लैट जोन रहेगा फ्रेंड्स ये वाला। ओके, अगर इसी जोन में ओपन होगा तो ट्रेड करने में मजा आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसने आज हैमर कैंडल बनाया है फ्रेंड्स। इसलिए डाउन की साइड में लेवल रहेगा 35,650, ब्रेक करेगा तो डाउन की साइड में पहला टारगेट आएगा 35,550 और दूसरा टारगेट आएगा फ्रेंड्स 35,450। अगर फ्रेंड्स आज आप ट्रेड किया होगा तो आपको बहुत ही बढ़िया मिल गया हो। चलो देखते हैं निफ्टी में आज उसने मेरे लेवल के हिसाब से क्या किया फ्रेंड्स। निफ्टी के बारे में मैं बोलूँ तो आपको मैंने बोला था कि 17,140 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा 17,080 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 17,030। आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स कि उसने भी ये दोनों टारगेट हमारा अचीव कर लिया फ्रेंड्स। इसमें भी बहुत ही बढ़िया आपको प्रॉफिट मिल गया होगा फ्रेंड्स। मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से ही बनाता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करना तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह मशवरा जरूर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप कमेंट करना चाहते तो कमेंट भी कर सकते हो। ओके, चलो अब देखते हैं कल के लिए कौन सा लेवल आएगा। मैं ये पूरा लेवल निकाल लेता हूँ आज 15 मिनट में, देखते हैं क्या होगा 15 मिनट में। पहले आज हम फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा फ्लैट जोन, देखते हैं इसमें लेवल कौन सा आ रहा है फ्रेंड्स। अपसाइड में आएगा 70,230 और डाउन की साइड में आएगा फ्रेंड्स 70,160।
उसका क्लोजिंग हुआ है 70,220। ओके, अगर कल निफ्टी इसी जोन में ओपन होती है और उसके बाद 70,230 ब्रेक करेगी तो अपसाइड में उसका लेवल आएगा फ्रेंड्स पहला 70,290 और दूसरा लेवल आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 70,330। उसका मैं प्राइस लेवल भी लगा लेता हूं फ्रेंड्स, अपसाइड में आएगा 70,230 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आएगा अपसाइड में 70,290 और दूसरा टारगेट आएगा अपसाइड में 70,330। और डाउन के साइड में अगर फ्रेंड्स 70,160 ब्रेक करेगा तो उसका पहला डाउन के साइड में टारगेट आएगा उसका फ्रेंड्स 70,110 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 70,020। और अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। या फिर अगर समझो कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा गैप ओपन हो गया, 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी ओपन होती है और निफ्टी 100 पॉइंट गैप ओपन होती है तो वहाँ पे हमें कोई बेरिश कैंडल बनती है या कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम पुट बाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो हम वहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनती है या बुलिश कैंडल बनती है उसी कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस लगा के कॉल बाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।